ये बात तो सभी जानते हैं कि 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। भारत में ना तो सूतक काल लगेगा ना ही चंद्र ग्रहण माना जाएगा। 25 तारीख को होली वाले दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि सुबह हमारा 10:24 पर लग रहा है, दोपहर 3:01 पर समाप्त भी हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि होली के बाद से ना और चंद्र ग्रहण के बाद से चार वो राशियां जिनका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, मेष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और मीन राशि, इनका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। देखिए सूतक काल तो नहीं लगेगा भारत में, लेकिन फिर भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं ना वो बहुत ध्यान रखें अपना। मैं उनको बताना चाहूंगी कि भारत के आसपास सूर्य ग्रहण है, उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होली पर और प्रेग्नेंट लेडीज पर भी पड़ सकता है। हालांकि नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन करें, ध्यान रखें, इस समय पर सब्जियां ना काटें, कैंची का इस्तेमाल ना करें, घर से बाहर ना जाएं और मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र? चंद्र का ही मंत्र जाप करना है अपने। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, और सूतक काल को भी मान्य रखें। साथ ही साथ में भोजन ग्रहण बिल्कुल ना करें। तुलसी का पत्ता उस समय पे जब तक चंद्र ग्रहण है अपने मुंह में रखें और उसको चबाना नहीं है, बाद में आपने उसको निकाल देना है और किसी बहते पानी में प्रवाह कर देना है, उसको खाना भी नहीं है। और एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी आपको, इस दिन होली है और ग्रहण है और सोमवार भी है, तो इस दिन लड़ाई झगड़े का भी योग बनेगा। सब लोग सावधान रहें, होली प्यार से खेलें।